मेरे व्याख्यान के बाद अगर आपको लगे तो आप सवाल जरूर पूछिएगा। जिस विषय पर मैं व्याख्यान देने वाला हूँ वो विषय आज हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए अगर आप उसमें कुछ सवाल करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। आजादी के 50 साल हो गए ऐसा भारत सरकार कहती। 1947 में हम आजाद हुए थे अंग्रेजों की गुलामी से, और 1947 में जब आजादी मिली तो अब 1997 आ गया है। ऐसा माना जाता है कि 50 साल पूरे हो गए देश को आजाद हुए। मैं मानता हूं कि ये आजादी के 50 साल नहीं है बल्कि हिंदुस्तान की गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। ये कभी कभी आपको आश्चर्य लगेगा कि ये राजीव भाई ऐसा क्यों बोलते हैं, गुलामी के 500 साल, भारत सरकार तो कहती है कि आजादी के 50 साल हो गए। और मैं बहुत गंभीरता से ये मानता हूं कि आजादी के 50 साल नहीं बल्कि गुलामी के 500 साल पूरे हुए हैं। वो कैसे, उसको समझिए। आज से लगभग 500 साल पहले वास्को डिगामा आया था हिंदुस्तान। इतिहास की चौपड़ी में, इतिहास की किताब में हम सब ने पढ़ा होगा कि सन 1498 में मई की 20 तारीख को वास्को डिगामा हिंदुस्तान आया था। इतिहास की चौपड़ी में हमको ये बताया गया कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, पर ऐसा लगता है कि जैसे वास्को डिगामा ने जब हिंदुस्तान की खोज की तो शायद उसके पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। हजारों साल का ये देश है जो वास्को डिगामा के बाप दादाओं के पहले से मौजूद है इस दुनिया में, तो इतिहास की चौपड़ी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वास्को डिगामा ने हिंदुस्तान की खोज की, भारत की खोज की? और मैं मानता हूं कि वो एकदम गलत है। वास्को डिगामा ने भारत की कोई खोज नहीं की, हिंदुस्तान की भी कोई खोज नहीं की। हिंदुस्तान पहले से था, भारत पहले से था। वास्को डिगामा यहां आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। एक बात और जो इतिहास में मेरे अनुसार बहुत गलत बताई जाती है कि वास्को डिगामा हरिभाई देसाई समकालीन तंत्री बदलने के आवश्यक सेनापति था, बहादुर सैनिक था और हिंदुस्तान की खोज के अभियान पर निकला था। ऐसा कुछ नहीं था। सच्चाई यह है कि पुर्तगाल का वो उस जमाने का डॉन था, माफिया था। जैसे आज के जमाने में हिंदुस्तान में बहुत सारे माफिया किंग हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी, ऐसे ही बहुत सारे डॉन और माफिया किंग 15वीं शताब्दी में होते थे यूरोप। और 15वीं शताब्दी का जो यूरोप था वहां दो देश बहुत ताकतवर थे उस जमाने में, एक था स्पेन और दूसरा था पुर्तगाल। तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाल का माफिया किंग था। 1490 के आसपास से वास्को डिगामा पुर्तगाल में चोरी का काम, लुटेरे पने का काम, डकैती डालने का काम ये सब किया करता था। और अगर सच्चा इतिहास उसका आप खोजिए तो एक चोर और लुटेरे को हमारे इतिहास में गलत तरीके से हीरो बनाकर पेश किया गया। और ऐसा जो डॉन और माफिया था उस जमाने का पुर्तगाल का, ऐसा ही एक दूसरा लुटेरा और डॉन था, माफिया था, उसका नाम था कोलंबस, वो स्पेन का था। तो हुआ क्या था, कोलंबस गया था अमेरिका को लूटने के लिए और वास्को डिगामा आया था भारतवर्ष को लूटने के लिए। लेकिन इन दोनों के दिमाग में ऐसी बात आई कहां से, कोलंबस के दिमाग में ये किसने डाला कि चलो अमेरिका को लूटा जाए, और वास्को डिगामा के दिमाग में किसने डाला कि चलो भारतवर्ष को लूटा जाए? तो इन दोनों को ये कहने वाले लोग कौन थे? अतुल भाई जो बता रहे थे वही बात मैं आपसे दोहरा रहा हूं। हुआ क्या था,
कि 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच का जो समय था, यूरोप में दो ही देश थे जो ताकतवर माने जाते थे, एक देश था स्पेन, दूसरा था पुर्तगाल। तो इन दोनों देशों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। लड़ाई झगड़े किस बात के होते थे कि स्पेन के जो लुटेरे थे वो कुछ जहाजों को लूटते थे तो उसकी संपत्ति उनके पास आती थी, ऐसे ही पुर्तगाल के कुछ लुटेरे हुआ करते थे वो जहाजों को लूटते थे तो उनके पास संपत्ति आती थी। तो संपत्ति का झगड़ा होता था कि कौन कौन संपत्ति ज्यादा रखेगा, स्पेन के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी या पुर्तगाल के पास ज्यादा संपत्ति जाएगी। तो उस संपत्ति का बंटवारा करने के लिए कई बार जो झगड़े होते थे वो वहां की धर्म सत्ता के पास ले जाए जाते थे, और उस जमाने की वहां की जो धर्म सत्ता थी वो क्रिश्चियनिटी की सत्ता थी, और क्रिश्चियनिटी की सत्ता में 1492 के आसपास पोप होता था जो सिक्स कहलाता था, छठवां पोप। तो एक बार ऐसा ही झगड़ा हुआ पुर्तगाल और स्पेन की सत्ताओं के बीच में, और झगड़ा किस बात को लेकर था, झगड़ा इस बात को लेकर था कि लूट का माल जो मिले वो किसके हिस्से में ज्यादा जाए। तो उस जमाने के पोप ने एक अध्यादेश जारी किया, आदेश जारी किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया सन 1492 में। और वो नोटिफिकेशन क्या था, वो नोटिफिकेशन ये था कि 1492 के बाद सारी दुनिया की संपत्ति को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, और दो हिस्सों में ऐसा बांटा कि दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा और दुनिया का दूसरा हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। तो पूर्वी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम पुर्तगाल करेगा और पश्चिमी हिस्से की संपत्ति को लूटने का काम स्पेन करेगा। यह आदेश 1492 में पोप ने जारी किया। यह आदेश जारी करते समय जो मूल सवाल है वो ये है कि क्या किसी पोप को ये अधिकार है